नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त दीदारगंज थाना क्षेत्र के, आप कह सकते हैं कि मर्चा मर्ची नहर पर। जी हाँ, अभी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगती है। आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट आई है और साथ में एक छोटा सा आई है। इस बीच यहाँ के कर्मचारियों बिल्कुल बचाने का, आग पर काबू करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। वजह बताता हूँ, शॉर्ट सर्किट जैसे प्रत्यर्थी है, जो जिनका फैक्ट्री है उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के वजह से जो प्लास्टिक का जो दाना है उसी का यहाँ पर फैक्ट्री था। इस फैक्ट्री के बगल में देखिएगा तो यहाँ पर आटा का यहाँ पर गोदाम है, और जब यहाँ पर आए यहाँ पर तो पता चलता है कि यहाँ पर भी अंदर में आग लगी हुई। हमारे पीछे जब देखिएगा, ऊपर में देखिएगा तो स्टाफ जो कर्मचारी है उसको आग पर काबू करने का बिल्कुल प्रयास में यहाँ पर देखिएगा, और काफ़ी नुकसान की अनुमानता है। और हम तमाम चीज़ से आपको अवगत करवाएंगे, क्योंकि आग ऐसे समय पर लगे कि यहाँ पर जब देखिएगा तो ये मलबा का ढेर फैल गया। यहाँ पर जब देखिएगा ये तमाम मलबा है, और फायर ब्रिगेड के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी है उसका कारखाने का वो भी लगे हुए हैं। बने रहिएगा और दिखलाते हैं क्या क्या क्षति हुई है। नहीं नहीं, अभी तो आग देख ही रहे हैं, अभी तो एकदम बुझ ही रहा है। आगे तो 95% एकदम आग बुझ गई है। आग कहाँ लगी थी? फैक्ट्री में, यहीं पर लगा हुआ है। ये तो अभी पूरा नहीं पता चल रहा है। इसमें भी दो पार्ट में है, एक प्लास्टिक का है, एक उधर आटा वाला लोग बता रहे हैं। हाँ, घटना का मूल कारण क्या है सर? अभी कुछ नहीं इसका बताया जाएगा, आग लगने का। हाँ, 6 गाड़ी अभी कार्य कर रही है। बड़ी छोटी? नहीं नहीं, सब बड़ी गाड़ी कार्य कर रही है। हाँ हाँ, 6 बड़ी गाड़ी है। आग पर क्या काबू पा लिया? हाँ हाँ, तो 95% देख ही रहे हैं, आग तो एकदम पूर्ण रूप से बुझ गया है। लेकिन थोड़ा सा उलट पलट करके हम इसको बुझवा देते हैं कि रात के टाइम है। आटा का है, उसमें भी आग लगी हुई है? नहीं नहीं, उसमें नहीं है, इसका गैस से है। उसको भी खोल करके हम देखना चाह रहे हैं कि वो भी में भी तो कहीं नहीं पकड़ा है। सब पूर्ण रूप से जब तक हम नहीं देखेंगे तो गाड़ी लेकर नहीं ना जाएंगे। जब तक इसको जो है तो पूरा एकदम 100% देख लेना ना है। नुकसान हो ही गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद जी, क्या चीज़ का फैक्ट्री? ये रिताइतिल होता था, मतलब प्लास्टिक पुराना लेते होता था। क्या मेरा भतीजा था? कौन थे भतीजा का नाम? क्या अमर? पुराना अमर तुम्हार बंटी खत्री बोल रहे थे शायद, वो उर्फ में है। कितना प्लास्टिक दाना का, मतलब दाना जैसे पुराना प्लास्टिक लेते तवारी वाले? क्या? हाँ, धोधा तरता था अपना, बता तटिन बनाता था। इधर आग लगने का कारण कुछ पता? तो तरतीट हुआ है। घटना में कितना का नुकसान हुआ आकलन कुछ? 2-2.5 लाख से कम तो ना हुआ। नाम हुआ आपका? राजू कुमार नाम हुआ। राजू जी, ये फैक्ट्री आपका है? हाँ, फैक्ट्री मेरी है। किस चीज़ का फैक्ट्री है? ये प्लास्टिक कारखाना का है। अच्छा अच्छा, पहले लोहा गोदाम के दिए थे, लोहा गोदाम से नहीं चला तभी प्लास्टिक दाना के दिए थे। अच्छा, बैंक से लोन लिया गया था 15 लाख रुपया, अभी तक लॉकडाउन की वजह से बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, कर्जा अभी बाकी है। कब दिए थे इनको लीज पे? कब दिए थे इनको? दिए थे 2021 में दिए थे, 2017 में लोन लिया गया था। भारी नुकसान है ना? भारी नुकसान है। कम से कम लीज पर नहीं दिए थे, किराया पर लगाए थे, बांटी खात्री के दिया गया था। बांटी खात्री के दिया गया था। क्या हुआ अभी? सब प्लास्टिक दाना फेंक? सब कहानी खत्म हो गया। कौन सा जगह पाक लगा है? ये मर्ची लिंक रोड बाड़ीपुर बोलते हैं इसको। थाना कौन सा? इंदिरा पेपर मिल का बगल में है। थाना कौन सा पड़ा? दीदारगंज थाना हुआ, इंदिरा पेपर मिल का बगल में। अब सब देखिए, करकट तो जल ही गया हम लोग का अंदर गांव में। जिस फैक्ट्री में आग लगी है उस फैक्ट्री का यहाँ दृश्य देखिएगा तो अभी भी धुआं ही धुआं है। फायर ब्रिगेड की यहाँ तमाम यूनिट, और जिस तरह का प्रभारी ने बातचीत किया उन्होंने बताया कि 6 यूनिट आई है और एक छोटा सा गाड़ी आया। अभी भी आग जो है वो धुआं, और खास करके यहाँ जब देखिएगा तो काफी गैस भर गया है। और जब जिनका ये कारखाना था उन्होंने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए की इनकी संपत्ति जलकर खाक हो गई है, और साथ में जिनका जो जमीन था वो बैंक से कर्ज लिया था 15 लाख ऊपर का था, वो भी भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह दरारें पड़ गई है। कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो मैंने इनसे मैं बात किया हूँ तो खुद बोले हैं ट्रांसफार्मर से आग जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से ये आग की ये भयावह स्थिति हुई है। ये क्षेत्र पड़ता है दीदारगंज थाना क्षेत्र का। यहाँ जब दृश्य देखेगा तो ये बिल्कुल अंधकार है, लाइट नहीं है, और तमाम अभी भी यूनिट जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।